तो हम मकर लग्न की कुंडली में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी शनि आपकी कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो शनि की महादशा में आप किस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। अगर आपका शनि सिक्स्थ हाउस में है तो यहाँ आपके कन्या राशि में शनि स्थित होंगे। कन्या राशि शनि के लिए उनकी मित्र राशि है, यानी बुध की राशि है, तो ज़्यादातर केस में यहाँ शनि अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। मकर लग्न के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शनि आपके लग्नेश तो है ही, इसके अलावा आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो अब ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे आप अपनी डेली लाइफ पर और अपने कामकाज पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी शनि ही हैं। ऐसे में आप अपनी धन संपत्ति, पारिवारिक मामलों को किस प्रकार से हैंडल करने वाले हो। तो यहाँ शनि डिग्री वाइज जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही आपके कार्यों में व्यवधान ज़्यादा देगा, लेकिन अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिले नहीं करेगा कामों में। आप अपनी डेली लाइफ को, अपने खर्चों को या अपने हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इसके साथ साथ या तो आप किसी भी लीगल इशू में पड़ेंगे नहीं, अगर फिर भी आपके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ स्थित शनि आपके शत्रुओं को आपसे दूर करेगा और आपका जो है वास्तव में जो टैलेंट है, आप में वास्तव में जो क्षमता है, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि ये बुध का साइन है, बुध का घर है ये, और यहाँ ड्यूअलिटी है, यानी जो द्विस्वभाव राशि है, इस वजह से यहाँ पर शनि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन दे सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ही बेटर होगा। शनि यहाँ स्थित हैं तो अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपको ये महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कि हो सकता है ये महादशा किसी जातक को 5 से 10 साल की आयु में स्टार्ट हो गई, किसी को हो सकता है कि ये महादशा 25 से 23 साल की आयु में आ गई, या फिर आपको ये दशा आ सकती है 50 साल की आयु में या 55 की एज में। तो ये आपके लिए अब सबसे ज़्यादा मैटर यहाँ करने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है, जैसे कि 5 से 10 साल की आयु में, तो उस समय आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है। आपको अपने परिवार की तरफ से या आपको किसी के भी अन्य व्यक्ति की तरफ से जो भी सपोर्ट प्राप्त हुआ है अपनी अर्ली एज में, स्पेशली अपने माता पिता और अपने रिलेटिव्स की तरफ से, उसमें कुछ कमी रह सकती है। तो आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य इश्यूज रहा होगा। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही होगी, आपका खेलना कूदने का जो समय है, आपका स्टडी वगैरह करने का जो समय है, वो सही नहीं रहा होगा, मैनेज्ड तरीके से नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से या तो आप स्टडी वगैरह में कमज़ोर रह गए होंगे या कोई ना कोई स्किल के आप में कमी रह गई होगी। लेकिन ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाए, तो छोटी आयु में ये जो शनि है कहीं ना कहीं आप में स्किल्स की कमी को लेकर आएगा। आप उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, उतना अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे। कभी कभी आपको कुछ और भी अन्य इश्यूज परेशान करेंगे, जैसे कि डेली लाइफ में किसी भी प्रकार का खर्चा हो गया, किसी प्रकार का और कोई समस्या हो गई, फैमिली के साथ कोई इश्यू हो गया, ये सब। लेकिन अगर ये दशा आपकी 25 से 30 साल की एज में या आपकी 50 या 50 के बाद की एज में आ रही हो, तो अब आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकेंगे शनि दशा के दौरान। आपको अब बुध को देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके चार्ट में बुध कैसे स्थिति में हैं। आपके चार्ट में अगर बुध अच्छी स्थिति में होंगे तो शनि दशा के रिजल्ट ऑलमोस्ट अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि शनि किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है तो उस ग्रह का यहाँ कैसा प्रभाव पड़ रहा है। और शनि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बना देता है लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा बंधन में ला देता है। तो ऐसे में शुरुआत में आपको अपने कैरियर वगैरह के लिए या अपने डेली के कामकाज के लिए थोड़ी बहुत रिस्क भी लेनी पड़ सकती है, थोड़ा बहुत परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ये दशा अगर आपको 25 से 30 साल के आयु में आ रही है, इस समय आपके ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने का ये समय रहेगा। तो आप फोकस करें, थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेकर भी आप अपने आगे की लाइफ को, फ्यूचर को अगर बेटर कर सकें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ धन संबंधी मामलों में, अपने पारिवारिक मामलों में या अपने संपत्ति संबंधी मामलों में अब जो आपके निर्णय हैं वो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी इम्पेक्ट करेंगे। ऐसे में इस समय आपको अपने परिवार को या अपने धन संपत्ति को या अन्य किसी भी रिलेटिव को पूरा समय देना भी जरूरी रहेगा। हो सकता है भले ही आपसे शनि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवा लें, लेकिन यहाँ पर आपका टैलेंट ही लास्ट में आपके काम आने वाला है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको देखना है, अगर किसी के भी ये महादशा लगभग 50 साल की आयु में स्टार्ट होती हो
तो उस समय आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपको जीवन के काफ़ी सारे अनुभव भी होंगे, ऐसे में आप लेटर एज में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे और अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, अपनी डेली लाइफ को भी आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। तो आपके लिए लगभग 25 से 30 साल की आयु में या फिर 50 साल की आयु में ऐसी दशा आती हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, बल्कि आपको अगर छोटी आयु में ऐसी दशा आती है तो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। और छोटी आयु की जो दशा रहेगी उसका इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ पर पड़ेगा वो इम्पैक्ट कभी भी जाएगा नहीं, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में एक तरीके से स्टेबल ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें दृष्टियों के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अब अगर आपके बुध बहुत अच्छी स्थिति में है या बुध का संबंध शनि के साथ है तो ये आपको हमेशा डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर हो सकता है बुध शनि के साथ ही स्थित हों, हो सकता है बृहस्पति शनि के साथ स्थित हों। देखिए अगर बृहस्पति शनि के साथ स्थित होंगे और ऐसे में अगर आपको महादशा आती है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा किसी भी विषय में सोचने समझने के लिए और प्लान करने में, लेकिन आपकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस होंगे अपने धन संपत्ति को लेकर, अपने खर्चों को लेकर और इवन खुद को लेकर भी। खुद को आप हमेशा यूज़ करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खुद की स्किल्स को जितना आप ज़्यादा जान गए, जितना आप अपने आप को समझ गए, समझ लीजिए आपके लिए सफलता मिलना उतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे दृष्टियों की बात। दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से शनि आपके आठवें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। आठवें भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन सडनली नहीं आने देंगे, आपको बस अपनी मेहनत से ही सब कुछ करना पड़ेगा और आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, आपको खुद जूझना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, रुकावट आती है, पैसे की दिक्कत आती है, तो उनमें आपको खुद ही कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। बल्कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि आपको कोई आपके इन लॉज सपोर्ट कर देंगे या आपके माता पिता आपको सपोर्ट कर देंगे। इसी स्थिति में कभी कभी जातक है वो अपनी पैतृक संपत्ति का या अपने इन लॉज से जो भी उनको फ़ायदा मिलता है उसका वो त्याग भी कर सकता है, ये आपके लिए अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसा शनि आपको स्टडीज़ में भी काफ़ी मदद करेगा, आपको कोई ना कोई ऐसा हिडन टैलेंट देगा जिसकी वजह से आप अच्छे रिसर्चर बन सकेंगे, अच्छे हायर स्टडीज़ में परफॉर्म कर सकेंगे। अब शनि का उसके बाद एस्पेक्ट है आपके बारहवें भाव पे, और बारहवां भाव है वो धनु राशि है यानी गुरु का घर है, और गुरु का घर होने की वजह से यहाँ पर शनि न्यूट्रल होते हैं अगर धनु राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो ऐसी कंडीशन में कुछ हद तक शनि आपको आपके दूर के कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से लाभ देगा, आपके फॉरेन के कुछ टूर के चांसेस बनाएगा और आपको फॉरेन के थ्रू लाभ पहुँचाएगा। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान आप कोई भी अगर लोन वगैरह लेना चाहें या कोई भी फाइनेंशियली अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहें तो थोड़ा सा आप सोच समझकर डिसीजन अवश्य ही लेंगे और आप बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। इसके साथ साथ बारहवें भाव को शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं, आपके कुछ हिडन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं या आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा शिकायत करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसा है तो स्त्री को नींद लेने में परेशानी होगी, यानी आपको रूटीन डिस्टर्ब रहेगा, आप हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऑफिस के कार्यों को दे दें जिसके कारण आपके खुद के पास जो है खुद को समय देने के लिए नहीं बचेगा, अपने हस्बैंड को देने के लिए समय नहीं बचेगा या अपनी फैमिली को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा। तो ऐसे में ये शनि आपको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखेगा लगभग। अब शनि का उसके बाद एस्पेक्ट है आपके तीसरे भाव पर, तीसरा भाव जो कि गुरु का ही ग्रह फिर से। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अन्य यहाँ पर ग्रह बैठा है या नहीं। अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर क्रूर ग्रह बैठा हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे और वो जो थर्ड हाउस में आपके ग्रह बैठा है वो आपकी मदद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में या मेहनत करने में। तो अब आपका जो थर्ड हाउस है वो भी एक्टिव रहेगा, इससे आपको जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने में मदद मिलेगी, आपको काफ़ी फास्ट काम करने में मदद मिलेगी। तो अब इस केस में शनि की महादशा के दौरान आप जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहेंगे, खुद पर डिपेंड रहेंगे, खुद की स्किल्स पर डिपेंड रहेंगे या खुद के थ्रू फैसले लेंगे उतना ही समझ लीजिए आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये दशा ज़्यादातर आपको बिजी रखेगी तो आप अपना वर्क लाइफ का और अपनी डोमेस्टिक लाइफ का बैलेंस अवश्य बनाकर चलिएगा तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए सामने आ सकते हैं शनि की इस महादशा के दौरान।